बिना नीट पास कैले गलत ढंग से 29 गो छात्र के भइल नामांकन के मामला में सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भइल जांच के रिपोर्ट अब बिहार के राज्यपाल के सौंप दिहल गइल बा। और जल्द ही सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी सहित अन्य सब दोषी पर कार्यवाही हो सकता। दरअसल मामला कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित बाटे, जौना में सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिना नीट उत्तीर्ण कैले 29 गो छात्र के नामांकन, उकनी के परीक्षा और आयोजन पर रिजल्ट प्रकाशन के मामला में पिछला महीना 12 अक्टूबर के राजभवन द्वारा जारी चिट्ठी के बाद विशेष टीम सिवान में जांच करे पहुंचा रहे। यह टीम 3 दिन पहले भी दरभंगा विश्वविद्यालय में जांच करे पहुंचा रहे और वहां पर करीब 8 घंटा तक जांच कैलस। कुलपति शशिनाथ झा से पूछताछ कैलस। पूछताछ के क्रम में शशिनाथ झा अपना गलती के स्वीकार कैले। जांच समिति में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी के सगा भाई श्री पति त्रिपाठी से भी बंद कमरा में 7 घंटा तक गहन पूछताछ कैलस। जांच टीम के नेतृत्व भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहरलाल स्वयं करत रहनी। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में कुलपति और सचिव के करीब 20 घंटा तक जांच के बाद ही मानल जा रहल बा कि जितना भी 29 छात्र के नामांकन भइल बा उ अवैध तरीका से भइल बा। उहा में जांच के बाद विशेष टीम मीडिया से बातचीत करत कहलस कि जांच में कई सारा गड़बड़ी पावल गिल बा, जौना में कहल कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी और विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सब दोषी पर कार्यवाही हुई। वहाँ में पूरा मामला में जब मीडिया के टीम छापेमारी के बाद प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी से बातचीत करे के प्रयास कैलस तो वहाँ के बिना जवाब दिले ही निकल गईनी और अभी तक के मामला में वहाँ के कोनो सफाई नहीं दिले। रउआ के बता दी कि गलत तरीका से नामांकन भइल बा जौन मामला बा उ बिहार के बाद अब यूपी के भी कई गो कॉलेज के सामने आ रहल बा, जौना के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा एक्शन ले रहल बाड़े और सब कॉलेज में भइल गड़बड़ी खातिर सीबीआई के जांच सौंप दिले बाड़े। सिवान के दयानंद नर्सिंग कॉलेज और दयानंद कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय में भइल जांच के रिपोर्ट के राज्यपाल के पास पहुँचा दिहल गेल बा और अब मामला में जल्द से जल्द दोषी पर कार्रवाई के खबर आ सकता।